सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुधीर भारद्वाज द्वारा देवबन टोल प्लाजा द्वारा देवबन वासियों से अधिक टोल वसूलने को लेकर देवबन फ्लाईओवर के नीचे फैला अतिक्रमण, श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी मेला मैदान में स्थित शहीद स्मारक के पास फैली गंदगी, बाजार में ई रिक्शाओं का रूट निर्धारित हो आदि मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर सिटी प्रेस क्लब के बैनर तले धरना कर अनशन किया। इस अनशन के लिए सभी पत्रकारों और नगर वासियों ने आपस में समर्थन किया। सुधीर भारद्वाज ने इन मांगों में देवबन टोल प्लाजा पर हो रही लूट का कारण उजागर किया। रिपोर्ट अंकित जैन। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, टोल प्लाजा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, टोल प्लाजा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, टोल प्लाजा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निर्जी आज यहाँ पर किस लिए एकत्र हुए हैं? भाई साहब, नगर की बहुत सी समस्याएं हैं, कम से कम 8 से 10 समस्याएं हैं, और उसमें जो प्रमुख समस्या है वो टोल की है। देवबंद वासियों को टोल में बिल्कुल भी छूट नहीं दी जा रही, और एक तरह से अवैध वसूली की जा रही है। अगर सहारनपुर को आदमी जा रहा तो कोलकी पे टोल प्लाजा लगा दिया, और रोहाना मुजफ्फरनगर जा रहा तो रोहाना लगा दिया टोल प्लाजा, और इतना महंगा टोल है कि दुनिया में कहीं भी इतना महंगा टोल नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि या तो टोल पर फास्टैग की व्यवस्था की जाए, या देवबंद वासियों को टोल में छूट दी जाए, आधार कार्ड के उस पर पूरे देवबंद वासियों को उसमें छूट मिलनी चाहिए। अन्य क्या मांग है आपकी? अन्यथा आज हमारा 2 घंटे का कर्मी कंसन है, इसके बाद कल जो है 7 घंटे का कंसन रहेगा, परसों भी 7 घंटे का कंसन रहेगा, और 13 मार्च से हमारा आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम इससे आमरण अनशन को छोड़ेंगे नहीं, और भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे, और इसकी सारी जिम्मेदारी इसकी उपसा कंपनी की और शासन प्रशासन की होगी। अब हमें ये नहीं पता कि किसके इशारे पे ये लूट हो रही है, किसका खजाना इस लूट से भरा जा रहा है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर जब भी हम कभी मुजफ्फरनगर जाते हैं तो वहाँ गुंडागर्दी होती है, और वहाँ जो है टोल वसूली करने के लिए 10-12 किलोमीटर का है 150 रुपये जो मांगा जाता है, इधर जाते हैं सहारनपुर तो हमारा मांगा जाता है। अब ये बताइएगा ये किसके आदेश पे है, और ये पैसा कहाँ जा रहा है? और हमारे मित्र जो सुधीर भारद्वाज जी यहाँ अनशन पे बैठे हैं, इनकी समस्याएं पूरे नगर वासियों की समस्याएं हैं, टोल उसमें मुख्य समस्या है हमारी। हम लगभग यहाँ से मुजफ्फरनगर अगर जाते हैं तो 20 किलोमीटर का दायरा पड़ता है, और इतनी महंगाई है इस टोल पे कि हर आदमी की जेब पे उसका बहुत भारी वो पड़ रहा है। तो हमारी शासन प्रशासन से ये मांग है, या तो टोल पे फास्टैग लगाया जाए, या देवबंद वासियों को इसमें छूट दी जाए।